नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। जहां पे कोरोना संकट एक भयंकर महामारी का रूप पकड़ लिया है, इस विकट परिस्थिति में सारे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सारे लोगों की जो स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं से काफी भयावह नजर आ रही है। इस विकट परिस्थिति में कुछ ऐसे भी शरारती तत्व है जो एक दूसरे पर दोषारोपण करने का कार्य कर रहे हैं। इसी श्रेणी में अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक लेटर वायरल हो रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें जगदीशपुर अनुमंडल पदाधिकारी पर आरोप लगाया जा रहा है। उस लेटर में लिखा गया है कि एक किसी दलाल के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी डीलरों से पैसा लेने का काम कर रहे हैं और जो डीलर पैसा नहीं दे रहे हैं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है। हालांकि ये जो लेटर है, इस लेटर पे किसी भी आवेदक का नाम सबमिट नहीं है और ये लेटर जिलाधिकारी को देने के लिए लिखा गया है, लेकिन कहीं से भी इस लेटर पे किसी आवेदक का नाम नहीं है। इससे स्पष्ट झलकता है कि कहीं ना कहीं से लेटर फर्जी है। ऐसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि और बहुत सारे डीलर भी हमारे साथ है, उन लोगों से जानना चाहेंगे कि कहां तक सच्चाई है। क्या अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर इस तरह के छवि के इंसान हैं या फिर उनका उज्जवल चरित्र है, क्या बताना चाहेंगे? अभी इस वक्त हमारे साथ धनेश्वर राय जी जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लछुटोला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं और शाहपुर प्रखंड के आत्माध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे जानते हैं, चूंकि काफी अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं ये क्या बताना चाहेंगे, आइए इनसे बात करते हैं। जी मुखिया जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में, क्या बताना चाहेंगे? चूंकि आप एक अच्छे ईमानदार और कर्मठ बुद्धिजीवी मुखिया के रूप में, एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, क्या बताना चाहेंगे? अभी इस वक्त जो एक लेटर वायरल हो रहा है, इस लेटर के संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे? हम तो पहले ये कहना चाहेंगे कि इस आपदा के घड़ी में जो डीओ साहब ने एक्शन लिए हैं पीडीएफ दुकानों पर, ये बहुत सही लिए हुए हैं। इसलिए जो गुमनाम उनके नाम से छपा हुआ है, हम तो बहुत डीलरों से भी बात किए, अपने ही पंचायत में बात किए, सब डीलर ने बताया कि नहीं ये ऐसा कुछ बातें नहीं हैं। और जो विपदा के घड़ी में हर एक व्यक्ति का राशन की ज़रूरत है, जो उन्होंने एक्शन लिया, चलो भाई इस समय कम से कम जो है सो जो भी है सारे मतलब गरीब मर रहे हैं, सब खाने पीने मर रहे हैं, उसको कम से कम सुविधा दे। सरकार इसके लिए मैंने हर संभव प्रयास कर रही है और इस युद्ध स्तर से, जबकि टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये चर्चा हो रहा है कि भाई हर एक व्यक्ति को 10 kg अनाज देना है, 5 kg छूट, 5 kg हर एक व्यक्ति को देना है। इस पर वो किसी प्रकार के एक्शन ले रहे हैं तो बिल्कुल सही ले रहे हैं। रही सवाल उनको अगर किसी तरह का बदनाम किया जा रहा है, गुमनाम की तरफ से, ना कोई नाम दिया गया है ना कुछ, उनको बदनाम किया जा रहा है, सरासर गलत है। क्या कोई डीएम साहब हो या एसडीओ साहब हो चाहे बीडीओ साहब हो, किसी प्रकार के कार्रवाई करेंगे तो उनके उनके ऊपर पक्ष जो है सो प्रगंडा जो किया जा रहा है, सरासर गलत है। जो दिया जा रहा है उनके नाम से गुमनाम पर मैंने उनको बदनाम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री पर भी हो सकता है, मुख्यमंत्री पर भी लोग डाल सकते हैं, डीएम साहब पर भी डाल सकते हैं। ये डालने से थोड़े हो जाएगा किसी व्यक्ति का, ये छवि धूमिल करने के लिए किसी का अच्छा छवि हो। हम तो जानते हैं बाढ़ के आपदा विपत्ति में उन्होंने इतना यहाँ पर मेहनत किया हमारे क्षेत्र में, तो इसका कोई वर्णन ही नहीं कहा जा सकता है। रात दिन एक होकर के बेचारे बांध पर, दमोदरपुर, सुहिया, लछुटोला पानी में घूमते फिरते थे हम लोग के साथ में, सब जनता को उन्होंने इतना मैंने कुछ कुछ करके हरे घर घर जा कर के उन्होंने सबको मदद किए। और इस विपदा में भी उन्होंने एक्शन लिए हैं कि कोई भी पीडीएफ दुकान हो चाहे इसके लिए हमको जो भी कुछ वसूल करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन अगर कोई भी नजायज़ काम करेगा उसको सख्त से सख्त करवाई किया जाएगा। और हम लोग भी उन्हीं के पक्ष में हैं कि आप एकदम ठीक है, जो डीलर खाते हैं करते हैं कमाते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस विपदा के घड़ी में अगर वो करते हैं करवाई तो हम लोग उनका समर्थन करते हैं। ये सब लफुए टाइप के लोग हैं, लफुए टाइप के लोग हैं कि एक अच्छे आचरण वाले आदमी को जो है बदनाम करने के लिए कि किसी का नाम दे करके, कोई दलाल आता है कौन वहाँ पर प्रखंड में ब्लॉक में हर एक किस्म के आदमी जाते हैं आते हैं सबका किससे क्या व्यवहार है क्या कुछ है। इसके मतलब ये नहीं है कि वो आदमी कोई जा भी रहा हो तो ये नहीं है कि जा रहा है दलाले हो गया, ये एकदम बिल्कुल मिथ्या है। इस पर जो किए हैं उन पर जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग देख रहे थे हमारी बात हो रही थी लछुटोला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और शाहपुर प्रखंड के अध्यक्ष
धनेश्वर राय जी थे हमारे साथ, इन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल ही मिथ्या है, तथ्यहीन है। इस तरह के आरोप कोई भी किसी पे लगा सकता है जहां पे आवेदक का कोई नाम ही नहीं है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। यदि बात की जाए अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर की, तो कहीं ना कहीं से एक अच्छे चरित्रवान और अच्छे चरित्र के धनी माने जाते हैं, वैसे व्यक्ति जिन्होंने बाढ़ में हम लोगों का जिस तरह मदद किया वाकई तारीफ के काबिल है। धनेश्वर राय जी ने बताया कि यदि बात की जाए अनुमंडल पदाधिकारी की, तो उनकी छवि की यदि बात की जाए तो जितने भी डीलर हैं उन लोगों से आप पता कर सकते हैं। जैसे कि हमें जहां तक पता है, चूंकि मैं शाहपुर का आत्माध्यक्ष हूं, तो हमें जहां तक पता है कि अनुमंडल पदाधिकारी किसी भी डीलर के पास कभी भी नहीं गए हैं। विकट परिस्थिति में यदि उनको जाना भी होता है तो उनके साथ पूरी टीम रहती है और इस तरह के घिनौनी बात, घिनौनी हरकत वो कर ही नहीं सकते हैं, और नहीं उनका उनका कोई भी अभिन्न अंग है, कोई उनका दलाल है जो इस तरह की बात करता है। एक भी डीलर इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं और नहीं किसी के पास इसका प्रूफ हो सकता है। यदि बात की जाए तो इस तरह के लोग कभी भी किसी पे, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात कर लिया जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात कर लिया जाए या जिलाधिकारी की बात कर लिया जाए, किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं। क्योंकि आरोप लगाना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सबूत इकट्ठा करना बहुत बड़ी चीज है। यदि आपके पास किसी पे कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो किसी पे डायरेक्ट इस तरह इल्जाम लगाना सरासर गलत है। और सरकार से हम मांग करेंगे, ऐसा कहना है धनेश्वर राय जी का, जो कि आत्माध्यक्ष हैं शाहपुर प्रखंड के, इनका कहना है कि हम सरकार से मांग करेंगे, जिलाधिकारी से मांग करेंगे कि इस तरह के शरारती तत्वों की अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इस तरह के गलत लेटर वायरल कर रहे हैं जिसपे किसी आवेदक का नाम नहीं है, इन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी किसी अच्छे पदाधिकारी पे आरोप नहीं लगा सके। क्योंकि इस तरह के आरोप लगने लगेंगे तो कोई भी पदाधिकारी किसी भी गलत शरारती लोगों पे कभी भी एक्शन नहीं ले पाएगा। क्योंकि अभी जो विकट भयावह परिस्थिति है, आप देख सकते हैं कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है, और इस विकट परिस्थिति में एक दूसरे पे ऑब्जेक्शन लगाने का कार्य जारी है, जहां पे यदि बात कर लिया जाए वैसे लोगों को, यदि डीलर किसी भी तरह के गलत काम इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये भयंकर महामारी है, इस भयंकर संकट में यदि डीलर गलत काम कर रहे हैं तो इस पे कोई भी पदाधिकारी स्वतंत्र होकर उस पे एक्शन ले सकता है, उसके लाइसेंस को रद्द कर सकता है। चूंकि ऐसा नहीं करेगा तो डीलरों में इस तरह की भय व्याप्त नहीं होगी, और जब तक भय व्याप्त नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो लोग मिस्टेक करेंगे और उस मिस्टेक का भरपाई आम जनता को करना होगा। चूंकि इस वक्त की जो स्थिति है, सारी जनता भूख से मर रही है। जैसे कि आत्माध्यक्ष धनेश्वर राय जी ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी ने जो निर्णय लिया है, वैसे लोगों का जो गलत कर रहे हैं उनको नहीं बख्शने का, वैसे लोगों का जो आम जनता के साथ गलत कर रहे हैं, जो लाभुकों के साथ गलत कर रहे हैं, उनका यदि लाइसेंस रद्द कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं तो अच्छे काम कर रहे हैं, और इसके लिए उनको हम प्रशंसा करेंगे। और वैसे लोग जो इस तरह के गलत धारणाएं या गलत रूमर फैला रहे हैं या गलत मैसेज वायरल कर रहे हैं, उन लोगों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ एक और जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, गौरा से नरवेश्वर ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं, आइए इनसे भी जानते हैं क्या बताना चाहेंगे। जी क्या बताना चाहेंगे, जो एसडीएम अरुण जी के साथ जो इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, कहां तक सच्चाई है? क्या सही है कि वो डीलरों से पैसा का डिमांड करते हैं? ना कभी भी नहीं, एसडीओ साहब ऐसा तो इतने नहीं थे, अब ये कभी भी हमारे दुकान में अगल बगल कितना हुआ अभी आज तक नहीं है, और पैसा जो कहता है उनको झूठ रहे थे लगाने लगाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी अच्छी सोच के लिए, आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं तमाम जितने भी दर्शक हैं, आप तमाम दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि इस कोरोना संकट में अपने आप को बचाएं और घर से बाहर ना निकले। एक बहुत बड़ा मैसेज है जो सरकार की तरफ से लगातार आपके मोबाइल पे, टीवी के द्वारा और भी सोशल मीडिया के द्वारा आप तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है कि इस वक्त की इस भयंकर महामारी से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि आप अपने घरों में रहें। अभी भोजपुर जिला की जो अच्छी स्थिति कही जाती थी, आज वो दशा हो गई है कि हमारे यहाँ भी लगभग 11 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। हालांकि एक मरीज सही होने का, स्वस्थ होने का भी खबर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की भयावह स्थिति, जो पूरे बिहिया में भी एक मरीज मिल गया, इसके अलावा आरा की जो स्थिति है, भलुहीपुर या फिर गौसगंज या रामपुर बड़हरा, इस तरह की भयावह स्थिति जो बनी हुई है, ये काफी ही संकटपूर्ण है। और तमाम लोगों से हाथ जोड़कर मेरा आग्रह है कि आप लोग घर से बाहर ना निकले, और यदि किसी कारणवश आपको जाने की जरूरत पड़ती है तो आप इमरजेंसी काम हो तभी बाहर निकले, क्योंकि आप अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं, आपको कोई दूसरा नहीं बचा सकता है। साथ ही साथ जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको
तुरंत सूचना देकर जिला प्रशासन को अवगत कराएं ताकि उन लोगों को जांच की जा सके, उनको क्वारंटाइन किया जा सके और उनको अलग जगह पर रखा जा सके ताकि उनमें यदि इस तरह की बीमारी है तो उसकी जांच हो सके। साथ ही साथ मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना बंद करें और सरकार का साथ दें।